गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? मैं कपड़े धोने जा रही हूँ वॉशिंग मशीन में। पहले मैं कपड़े डाल लूँ। आज काफ़ी सारे कपड़े हो रहे थे। गर्मियों में दोनों टाइम शावर करने पड़ते हैं पौधों में। ये मेरे पत्तों में मैं दोनों टाइम शावर करती हूँ। और ये नया एक छोटा पत्ता आया है, मुझे इनको देख के दिल इतना अच्छा लगता है। सुबह सुबह जब देखती हूँ अपने पेड़ों को, पौधों को, तो ये टाइम होती है इनकी बढ़ने की, ग्रो करने की। मैं चाय बना लूं क्योंकि मैंने अभी तक चाय नहीं पी है सुबह से। थोड़ी सी चाय पी लूं कपड़े धुलते धुलते। गर्मी तो आ गई है तो मेरे को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन गर्म हो जाता है गर्म हवा तो पैर उठे उठे काफ़ी गर्मी हो जाती है। वो इसी में बैल्कनी में बैठ के हुआ फिर भी चाय पी थी, उसके बाद में बाकी काम हुआ। गर्मियों में मैं इस बैल्कनी में बैठ के सुबह मॉर्निंग में चाय पीती हूँ, और किसी से मैंने कॉल करनी होती है तो चाय पीने के टाइम कॉल में बात करती हूँ, क्योंकि उसके बाद सारे बिजी हो जाते हैं अपने घर में, काम में, ऑफिस में। मैंने ये कर्टेन लगा लिया है कबूतरों की वजह से, इतना परेशान करते मेरे को बैठने नहीं देते। मैं बैठी रहती हूँ तब भी लोग मेरे सामने आते, थोड़ी सी फ्रेश हवा लेती हूँ मैं मॉर्निंग में जब गर्मी होती है तो। चलिए गाइस, मेरी मशीन की आवाज़ मुझे दे रही है, कह रही है मैं थक चुकी हूँ, मुझे बाहर निकालो। चलिए गाइस, कपड़े धो चुके, इनको मैं निकाल लूँ। बहुत सारे कपड़े हो चुके थे आज, मैं दो दिन बाद धो रही हूँ। आज मैं अपने कपड़े बैल्कनी के बाहर डालूंगी, नहीं तो मैं हमेशा अंदर की तरफ डालती हूँ, लेकिन आज मैं बाहर की तरफ डालूंगी।
हमेशा की तरह कबूतरों ने बीट्स कर रखे जो मैं पानी डाल देती हूँ पहले उनके ऊपर। ये मेरे बैल्कनी की ग्रिल में भी करते थे उन लोग, मेरे को उसको भी क्लीन करना पड़ता है। बाहर का मेरा हो चुका है, बैल्कनी वॉश करना, पौधों में पानी डालना, कपड़े धोना, कपड़े डाल देना। अब मैं अंदर का स्टार्ट कर रही हूँ। ड्राइंग रूम भी मेरा काफी फैला रहता है। हेलो गाइस, आप लोग कैसे हैं? मैंने सारा काम कर लिया है, पूजा वगैरह कर लिया है, बैल्कनी में बैठ के ताजी हवा लेती हुई मैं ये पपैया खा रही हूँ। पेट के लिए बहुत अच्छा होता है, स्किन के लिए भी बहुत अच्छा होता है।
यहाँ बैल्कनी में गर्मियों में थोड़ी सी फ्रेश हवा आ जाती है, सुबह सुबह ठंडी हवा आती है। उस बैल्कनी में सुबह सुबह आ जाती है धूप, और इस वाली बैल्कनी में शाम के 4 बजे आती है। हम लोग अपने देश में तो फिर भी गर्मी हो तो हवा खा सकते हैं और सर्दी हो तो धूप सेक सकते हैं, लेकिन मैं कनाडा गई थी, वहाँ पर आप सर्दियों में धूप नहीं सेक सकते क्योंकि वहाँ पे इतनी ठंडी हवा चलती है और गर्मी भी काफ़ी होती है। जब गर्मी आती है तो स्किन के लिए अच्छी नहीं होती है। क्योंकि कनाडा अर्थ के टॉप में है तो उस वजह से उस धूप की रोशनी काफी तेज आती है। ये देखिए गाइस, ये 2 कबूतर ये हमेशा यहाँ बैठे रहते हैं। बहुत कोशिश करते हैं यहाँ पे घोंसला बनाने का पर बना नहीं पाते क्योंकि एसी जब चलती है तो उनके घोंसले नीचे गिर जाते हैं तिनके उनके। और ये सोच रही है पता नहीं मैं क्या कर रही हूँ आज यहाँ बैठकर, दोनों मेरे को ध्यान। चलिए गाइस मैं खाना बना लेती हूँ। मैं बाहर बैठी थी, मधुमक्खी मेरे को बैठने नहीं दे रही। मधुमक्खी आ रही घूमे जा रही मेरे पास, तो मैं उठ के आ गई। मैंने कहा चलो मधुमक्खी को भी नहीं अच्छा लग रहा है कि मैं बाहर बैठी हूँ, तो मैं आ गई। मेरे को खाना बनाना है तो मैं खाना बना लेती हूँ अपना। मैंने मधुमक्खी को बोला चलो भैया मैं तुमको डिस्टर्ब नहीं करती हूँ, तुम लोग घूमो मैं जा रही हूँ अंदर। काली दाल बनाने जा रही हूँ। मैंने लहसुन प्याज काट ली है, टमाटर डालूंगी जीरा सिंपल, और काली दाल में मैं लहसुन थोड़ी ज्यादा डालती हूँ बड़ी बड़ी काट कर। सबसे पहले मैं जीरा डालती हूँ, फिर तेल थोड़ी सी ज़्यादा गर्म होती है, फिर लहसुन डाल देती हूँ, वो ब्राउन हो जाती है थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की। उसके बाद मैं प्याज डाल देती हूँ, और मैं काली दाल जो बनाती हूँ उसमें बहुत सारे लहसुन डालती हूँ ज़्यादा करके, और उसको पहले डाल देती हूँ। उस खुशबू जो निकलती है काफ़ी अच्छी स्मेल होती है और काफ़ी टेस्टी बनती है उससे दाल।
मैंने मोटे मोटे टमाटर काट लिए थे दो तीन, उसको डाल दिए मैंने। अनियन को लाल होने के बाद उसमें नमक डाल देती हूँ पहले से टमाटर के साथ, ताकि टमाटर सॉफ्ट हो जाए। उसके बाद मैं हल्दी डालती हूँ सबसे पहले। ये जो मैंने दाल भिगो रखी थी उसी के पानी से मैं थोड़ा थोड़ा डाल के, ताकि मसाला ना जले, भूनती रहती हूँ। फिर मैं मिर्ची डालती हूँ, क्योंकि मसाले जल जाते तेल में अगर पानी नहीं डालो तो। अब मैं मीट मसाला डालती हूँ। दाल का मसाला ऑलमोस्ट भून चुका है और इसमें तेल निकल चुका है। दाल डाल दूंगी और थोड़ी देर मैं दाल के साथ भी इसको भून लूंगी। चलिए गाइस, मेरी दाल बन चुकी है, भून चुकी है पूरी तरीके से, और इसको अंदाजे में मैं अब पानी डाल दूंगी जितना मुझे दाल में चाहिए होगा। इसको सीटी के लिए मैं चढ़ा दूंगी। मेरा खाना तो बन चुका है और मैंने ये चावल भी अपना भिगो दिया है। इसको मैं खाने से 5 मिनट्स पहले मैं इसको बना लूंगी। और आप लोगों को आज का मेरा वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगा, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। और आप सबसे मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।